देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड में एक भव्य पुलिस परेड आयोजित की गई। इस परेड की सलामी लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आज देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुरादाबाद के पुलिस लाइन ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन जवानों की कदम ताल ने परेड ग्राउंड के माहौल में जोश भर दिया। इस परेड की सलामी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली और रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर एक सकारात्मक संदेश प्रेषित किया। इसके बाद खुली जीप पर सवार होकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने जिले की पुलिसिंग में बेहतर योगदान दिया है। इस अवसर पर कई स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पांचवा प्लाटून ये लाइन और ये छठा प्लाटून कार्यालय उपनिरीक्षक सुधीर कुमार पीएसी नवी वाहन का प्लाटून कदम से कदम मिलाकर बढ़ता हुआ कमांडर जावेद अख्तर और महिला सशक्तिकरण की टीम बहुत सुंदर मोटरसाइकिल स्क्वाड और ये स्वैट टीम कमांडर आरक्षी विकास चौधरी टायल यूपी 112 कमांडर हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार चांदर कमांडर हेड कांस्टेबल कमल सिंह एफएसओ शत्रुघ्न सिंह सुरक्षा में लगी हुई ट्रैफिक पुलिस की क्रेन और सबसे अंत में मिशन शक्ति नायक आगे की कार्रवाई के लिए धीरे करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें एक दूसरे को ऐसे अवसर तेजी से लगाकर उनसे एक प्रभावी व्यवस्था मांगने मुख्य मंत्री को बनाने का संदर्भ की है। तो ऐसे में उसमें संपूर्ण समाधान दिवस हानिकर हानि समाधान दिवस के माध्यम से जनता के शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनता दर्शन के माध्यम से अनेकों कार्यक्रमों का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा आज भी आवश्यक पटना 2.67 करोड़ शिकायतों का समय भी निस्तारण किया गया है। हमारे सांस्कृतिक एकता के प्रति प्रयागराज में भव्य अतिक्रमण 2019 का सफल आयोजन किया गया है, जिससे आस्था और विश्वास एवं श्रद्धा से सरोवर पूरी देवी को यूनेस्को ने मान्यता की अनेक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। प्रदेश सरकार अपराध अभियान भय वातावरण सृजित कर कानून व्यवस्था द्वारा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं और हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए सरकार बहुत संकल्पित है। प्रदेश सरकार ने आपातकालीन कोविड हेल्पलाइन 112 नंबर लागू किया है। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों का पानी का व्यवस्था शरीरों का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति जारी की गई है तथा निवेश फैमिली की 16 नई नीतियां बनाई गई है। निवेश को प्रोत्साहन करने हेतु उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है कि जहां भूमि बिजली के तहत बिजली निर्माण एक्शन प्लान लागू किया गया है। आपको जहां का हर्ष होगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। दूरसंचार से अधिक निर्यात किया गया है जो गत वर्षों में 25,000 करोड़ अधिक। प्रदेश सरकार ने
व्यापारी परिवार किया है तथा सरकारी जो हमारी मौजूदी धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की है। प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के 36 लाख उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली केवल के रोने के माध्यम से किया है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत 2.3 करोड़ किसानों के तक 28,43 करोड़ की धनराशि उनके खातों में DBT के माध्यम से सीधे हस्तांतरण कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान भाइयों को लाभान्वित किया गया है। किसानों को भुगतान स्वास्थ्य हेल्पलाइन जारी किए गए हैं। वृक्षारोपण पर महापुरुष विभिन्न राजकीय विभागों के समूह के सक्रिय सहयोग एवं आपसी तालमेल से 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का विकास बनाया गया है। वन्य जीवन संरक्षण की दिशा में मानव वन्य जीवन संघर्ष को आज का घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। वन्य एवं जीवी उत्पादन को उत्तर प्रदेश देश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सरकार के कार्यकाल से अब तक 11,28,29 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया गया है। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 225 रुपए के मुकम गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 66,38 किसानों से गेहूँ के रखते हुए 88,85 करोड़ का भुगतान सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किया गया है। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान और 2021 में 1,888 की मुकम की दर से धान तथा 1,868 रुपये से धान का मूल्य निर्धारित कर 20 रुपये क्विंटल कृषकों को उतराई छमाई हेतु अतिरिक्त दिया गया। अब तक 52,51,00,000 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है और किसानों को उनके खाते में 98,00,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के 10 शहर जिसमें मुरादाबाद शहर भी शामिल है, तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित करते हुए विभिन्न परियोजनाओं के निगरानी का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16.03,50,00,000 आवास शुरू किए गए हैं। सुंदरबान में 16-15 आवासों का जीव सैकिंग ग्राउंडिंग और निर्माण कार्य प्रगति पर है।